आज हम करेंगे सजेस्टोपीडिया मेथड। आइए चलो पढ़ते हैं। सजेस्टोपीडिया इज़ ए टीचिंग मेथड विच इज़ बेस्ड विच इज़ बेस्ड ऑन ए मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क एंड हाउ वी लर्न मोर इफेक्टिवली। कि ये कहते हैं कि जो ये सजेस्टोपीडिया जो ये टीचिंग जो मेथड है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि जो हमारा ह्यूमन जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है और हम कैसे चीज़ों को इफेक्टिवली लर्न करते हैं। आया समझ में कि सजेस्टोपीडिया क्या है? सजेस्टोपीडिया एक टीचिंग मेथड है जिसके अंदर हम ह्यूमन ब्रेन कैसे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकता है, वर्क कर सकता है और एंड हाउ वी लर्न मोर इफेक्टिवली, यही है कि वो कैसे ज़्यादा काम कर सकता है और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकता है, सजेस्टोपीडिया। और हम कह सकते हैं सजेस्टोपीडिया इज़ ए स्टडी ऑफ सजेस्टिव फैक्टर इन ए लर्निंग सिचुएशन। कि जो सजेस्टोपीडिया वो क्या है, मतलब कि दो डेफिनेशन, आप चाहे तो आपको ये इजी लगे तो ये कर लेना, ये दो लाइनों की है, इसके अंदर भी पूरा ही सारा है कि जो सजेस्टोपीडिया जो मेथड है एक सजेस्टिव फैक्टर है लर्निंग सिचुएशन में, जो लर्निंग की जो हमारी आज सिचुएशन है उसके अंदर एक सजेशन देता है, सजेस्टिव फैक्टर है, ठीक है। सजेस्टोपीडिया ए प्रोमेंटस ऑफ प्रोमेंटिया ऑफ सजेशन एंड पेडोलॉजी इज़ ए टीचिंग मेथड यूज टू लर्न फॉरन लैंग्वेज डेवलप बाय द बुल्गेरियन साइकेट्रिस्ट जॉर्ज लोंजवो। ये कह रहे हैं कि जो सजेस्टोपीडिया ये जो मेथड है सजेशंस और पेडोलॉजी ये सब इसके अंदर है, एक टीचिंग मेथड है जिसके अंदर जैसे कि हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है उसको सीखना चाहते हैं, डेवलप फॉरेन लैंग्वेज जो कि डेवलप की थी किसने, ये उस बुल्गेरियन साइकेट्रिस्ट है एक जिनका नाम था गोर्जी लोंजवो जिन्होंने इसको डेवलप किया था, ये ऐसे याद करना पड़ेगा और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिर भी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए डाला है। सजेस्टोपीडिया एडॉप्ट ए केयरफुली स्ट्रक्चर अप्रोच यूजिंग फोर मेन स्टेजेस। ये कह रहे हैं कि जो सजेस्टोपीडिया उसके अंदर ना चार मेन स्टेजेस हैं जो कि ऐसे हैं। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन, फर्स्ट कंसर्न एक्टिव कंसर्न, लो कंसर्न पैसिव रिव्यू एंड प्रैक्टिस। फर्स्ट पढ़ते हैं हम प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है ये हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, कौन सी चार मेन स्टेजेस है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट कंसर्न एक्टिव कंसर्न, इन उसको हम एक्टिव कंसर्न भी बोल सकते हैं, एक्टिव कंसर्न पैसिव रिव्यू एंड प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन ए प्रीपरेटरी स्टेज इन विच स्टूडेंट आर हेल्प टू रिलैक्स एंड मूव इन टू ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ लैंग्वेज विद द फीलिंग दैट लर्निंग इज गोइंग टू बी ईजी एंड फन। ये क्या है, एक प्रीपरेटरी स्टेज है जिसके अंदर जो स्टूडेंट है उनको ना हेल्प की जाती है कि रिलैक्स करें एंड मूव इन टू ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें लाइफ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पाए तो उनको एक पॉजिटिव फ्रेम दिया जाता है माइंड का विद द फीलिंग दैट लर्निंग इज़ गोइंग टू बी ईजी एंड फन, जिसकी वजह से जो उनकी जो लर्निंग है वो ईजी हो जाए और फनफुल हो जाए। सेकेंड है फर्स्ट कंसर्न एक्टिव कंसर्न, वेट आगे बढ़ते हैं, आगे है फर्स्ट कंसर्न एक्टिव कंसर्न। दिस इन्वॉल्व द एक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल टू बी लर्न। इसके अंदर पता क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्टिव प्रेजेंटेशन है जो मटेरियल थिंग्स हैं स्टडी के लिए वो लर्न किए जाते हैं। दिस इन्वॉल्व द एक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल टू बी लर्न, जैसे कि कोई फॉरेन लैंग्वेज है, कोर्स दैट माइट टू बी ड्रामेटिक रीडिंग ऑफ ए पीस ऑफ टेक्स्ट अकम्पनीड बाय ए क्लासिकल म्यूजिक। इसके अंदर ना कोई मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज के लिए कोई भी ड्रामेटिक रीडिंग होती है, कोई पीस ऑफ टेक्स्ट होता है, वो ही लर्न करने पड़ते हैं अकम्पनीड बाय द क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक की हेल्प से। आगे पढ़ते हैं सेकेंड कंसर्न पैसिव रिव्यू, द स्टूडेंट आर नाउ इन्वाइटेड टू रिलैक्स एंड लिसन टू सम म्यूजिक। इसके अंदर स्टूडेंट को क्या करा जाता है, इन्वाइट किया जाता है कि वो आए रिलैक्स करे और म्यूजिक को सुने विद द टेक्स्ट बीइंग
रीड वेरी क्वाइटली इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में जो वो टेक्स्ट है जो उसको लर्न करना है वो चलता रहता है. द म्यूजिक इज स्पेशली सेलेक्टेड टू बी ब्रिंग द स्टूडेंट इन टू द ऑप्टिमम मेंटल स्टेट फॉर द एफर्टलेस एक्विजिशन. इसके अंदर क्या होता है, जो म्यूजिक होता है वो स्पेशली सेलेक्टेड, मतलब कि सेलेक्टेड टू ब्रिंग उन, उसके अंदर ना जो स्टूडेंट की जो ऑप्टिमम मेंटल स्टेट है ना उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन ऑफ द मटेरियल लर्निंग के लिए. मतलब कि आगे पढ़ते हैं फोर्थ वन, द प्रैक्टिस द यूज ऑफ द रेंज ऑफ गेम्स पजल्स एक्सेट्रा टू रिव्यू एंड कंसोलिडेट द लर्निंग. ये कह रहे हैं कि द यूज़ ऑफ रेंज ऑफ गेम्स पजल एक्सेट्रा टू रिव्यू, और इसके अंदर प्रैक्टिस कराई जाती है गेम्स की, पजल्स की, एक्सेट्रा की. ठीक है, आगे हम बता रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि जो सजेस्टोपीडिया, हम उसको डी सजेस्टोपीडिया भी बोलते हैं, टू रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंट प्लेस्ड ऑन दिस सजेस्टिंग लिमिटेशन ऑन लर्निंग. ठीक है, पर्पस, इसका पर्पस क्या था भाई, हमने ये मेथड क्यों यूज़ किया, तो इसका जो गोल है सजेस्टोपीडिया का वो क्या कि एक्सेलरेट करना प्रोसेस ऑफ लर्निंग को, लर्निंग लैंग्वेज को, और जो रिलेशनशिप है किसी भी स्टूडेंट के बीच में या किसी भी टीचर के बीच में, इन इन सजेस्टोपीडिक इंस्ट्रक्शन वो कैसा हो, सजेस्टोपीडिक इंस्ट्रक्शन हो, मतलब कि सजेस्टिव हो. ठीक है, इज़ लाइक और उनका ऐसा बॉन्ड हो कि जैसे कि किसी पेरेंट का किसी चिल्ड्रन के साथ. द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ ए लर्न सेंटर. द ये कह रहे हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, लर्न सेंटर है. मतलब कि जो मेथड्स है ये, इसका मेन सजेस्टोपीडिया, नाम से ही पता चलता है कि, नाम से ही पता चलता है कि इसमें सजेशंस की इंपॉर्टेंस है. आगे हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं. हायर एंड फास्टर लर्निंग, इसकी एडवांटेजेस ये है कि ऐसे मेथड्स को हम अप्लाई करने से हमारी जो लर्निंग है वो हायर रहेगी और फास्टर रहेगी. ठीक है, पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं. सम हायर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम, इसके अंदर क्या आएगा, हायर कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट के अंदर और उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो स्ट्रॉन्ग होगी. लो क्लास रूम एंजाइटी, और उसको क्लास रूम के प्रति एंजाइटी नहीं रहेगी कि जाना है, टेस्ट है, ये है, वो है, क्लास में इंसल्ट होगी, ये सब दूर हो जाएगी क्योंकि उसकी ऑटोमेटिक लर्निंग होने स्टार्ट हो जाएगी ना. आगे है इसमें नो होमवर्क, और नो होमवर्क क्यों कह रही हैं, क्योंकि जब इंसान को किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो फिर वो क्या करता है, उसको अच्छे से करता है, तो उसको वो बोझ नहीं लगता या फिर होमवर्क नहीं लगता. इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि सम लर्नर कैन नॉट स्टडी विद द कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एंड म्यूज़िक. हर एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता कि जिसको म्यूज़िक ही कंफर्टेबल, और कुछ का अपना अलग भी सिस्टम होता है, वो बस पीसफुल सिचुएशन में ही पढ़ सकते हैं जहाँ पर पूरी रिलैक्सेशन हो. बट म्यूज़िक साइकोलॉजिकली भी ये प्रूव है कि जो म्यूज़िक है वो हमारे लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा देता है. नो सुटेबल विद ओल्डर लर्नर, और ये सुटेबल नहीं है कि जो ओल्डर लर्नर है जिनको पहले ही, मतलब कि जो लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए एकदम से ये मेथड डाल देना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है. ये इसकी डिसएडवांटेज है. नो सुटेबल विद सम सब्जेक्ट, और ये कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस और मैथ, उनके लिए कम्फर्टेबल नहीं है क्योंकि मैथ के अंदर में मैथ सम सॉल्व करने होते हैं. बट ये भी मतलब कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो फिर वो ना पता क्या करती थी, हमारे जो मैथ के सम होते हैं म्यूज़िक चला के और आराम से मैथ की कैलकुलेशन सॉल्व करती थी. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.